अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल ऑफ नीलम परी। आज मैं आपको यहाँ पर करेला ऑन के स्टिक्स के बारे में बताऊँगी कि आप उसको किस तरीके से जो है एक समर में लॉन्ग लास्टिंग बेस जो है उनसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आइकॉनिक का फेस ग्लो जो है स्प्रे यूज़ किया है ताकि जो है थोड़ा सा मेरी स्किन जो है वो ग्लो करे और जो पेनिट्रेट हो जाए अच्छी तरीके से स्टिक्स के अंदर। उसके बाद मैंने F1 और F38 करेला ऑन की लिया है और इस तरीके से पहले मैंने 38 को अप्लाई किया है और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे F1 को अप्लाई किया है। आप इसके नीचे जो है वो ओरिएंटल भी लगा सकते हैं अगर आपकी जो है वो डार्क सर्कल्स हैं, आपकी ब्लेमिशेस वगैरह हैं, तो ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बाद में ग्रे ना हो। तो इस तरीके से जो है मैंने लगा लिया है। ये करेला ऑन की ओरिजिनल TV पेंट स्टिक है और ये मैं आपके आगे चल के आपको बताऊँगी कि कैसे पता चलता है कि ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे स्पंज को पानी में जो है वो सही अच्छी तरह से वेट करके उसको निचोड़ लिया है और इस तरीके से है जो है टैप टैप करके जो है ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन। इस तरीके से लाइट हैंड के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। देखो कितने मज़े की जो है वो ब्लेंडिंग हो रही है इसकी, कितने मज़े की जो है वो एक इसके अंदर से ग्लो आ रही है। फर्स्ट पे मैंने जो इस पर स्प्रे ऐड किया है उसकी वजह से, और दूसरा जब इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करते हैं तो बहुत मज़े की लुक आती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि आप लोग अपनी फाउंडेशन स्टिक्स से वापस कर रहते हैं कि हमारे फेस के साथ मैच नहीं कर रही, हमारी स्किन पर बैठ नहीं रही, हमारी स्किन बहुत ओवर लग रही है, बहुत थिक है या सूट नहीं कर रही। तो उसकी रीज़न ये भी एक होती है कि आपको उसके लगाने का तरीका आना चाहिए। जब आपको उसको लगाने का तरीका आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो अपने घर पे उसको कैरी कर सकते हैं। ये देखो बड़ी मज़े की इसकी लुक आई है और इसी तरह मैंने आईज़ पे और नेक पे अच्छी तरह लगा के इसको ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही नीट होनी चाहिए। इससे ये होगा कि बहुत ही मज़े की एक स्किन में पेनिट्रेटेड आपको फाउंडेशन मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी अच्छे से अच्छे सैलून में चले जाएँ, लो से लो सैलून में चले जाएँ, वहाँ पे TV पेंट स्टिक ज़रूर यूज़ होती है। और सबके अप्लाई करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। अगर हम ब्राइडल पे यूज़ करते हैं तो उसको किसी और तरीके से यूज़ करते हैं, अगर हम पार्टी मेकअप में यूज़ करते हैं तो किसी और तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नेचुरल तरीके से समर में आप डेली वेयर में भी ये आप वेयर कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो ये मैंने इंडियन पैनकेक लिया है। इंडियन पैनकेक बहुत ही मज़े की चीज़ है। मैं यहाँ पे करेला ऑन का भी आपको पैनकेक दिखा सकती थी, मेरे पास वो भी है, लेकिन ये प्राइस में बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही मज़े का जो है इससे फिनिशिंग लुक आती है। मैंने स्पंज को जो है वेट करके, इस तरह स्पंज को जो है फोल्ड करके, उसको वेट करके अच्छी तरह निचोड़ के मैंने ये इस्तेमाल किया है और इस तरह से हल्का सा टैप टैप करना है इस पर, और उसके बाद जो है वो अपने फेस पे जो इस तरीके से सारी नेक पे और फेस पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो है एक बहुत ही मज़े की फिनिशिंग लुक आएगी। ये देखिए मेरे हैंड्स का और फेस का सेम सेम कलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो है लॉरियल का फेस पाउडर जो है वो ब्रश की हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर दिया है, उससे मेरी बेस जो है वो बिल्कुल लॉक हो गई है। और मैं बगैर फ़ैन के भी अगर रहूँ तो इसमें मुझे स्वेटिंग नहीं होगी। पूरा दिन अगर आप इसको लगा के धूप में जाते हैं, आप गर्मी में जाते हैं, तो ये मेकअप आपका कहीं नहीं जाने वाला। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताई हैं वो बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। हाँ, एक करेला ऑन की जो स्टिक है वो आई थिंक 3 to 4,000 में हो गई है अब, और हो सकता है अब उसके रेट और भी ज़्यादा बढ़ गए हों। यहाँ पे ये कोड दिया हुआ होता है, आपको इस नंबर पे सेंड करना पड़ता है और फिर आपको मैसेज आता है कि ये फाउंडेशन ओरिजिनल है या फेक है। जोरदानी गोल्ड ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का जो है नेचुरल पीच कलर है, जो है मैं ब्लश ऑन के तौर पर यूज़ करी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है और अंदर से भी बहुत प्यारी प्यारी इसकी बॉल्स हैं। बहुत नेचुरल सी जो है वो पिंक ग्लो इससे लुक आती है, तो ये मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद जी मैंने जो लाइनर अप्लाई किया है वो APK का है। APK में इसमें दो लाइनर्स आते हैं, दोनों ही जो है जेल फॉर्म में होते हैं। ब्लैक जो है वो मैं लाइनर के तौर पे यूज़ करती हूँ और ब्राउन जो है वो मैं आईब्रोज पे यूज़ करती हूँ। उसके बाद जी MLA का ये वाला कलर मैंने लगाया है। अच्छा, इसके ऊपर कोई नाम नंबर नहीं होता, ये जस्ट पूरी पैकिंग आती है। उसमें मैंने एक शेड उठाया और मैंने इस तरह से वो अप्लाई कर दिया अपने लिप्स पे, तो जिस तरह का मैंने ड्रेस पहना हुआ था तो उसके साथ मिलता जुलता ये मैंने कलर अप्लाई कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैंने ये वीडियो लगाई थी लास्ट टाइम पे, तो सबने मुझे पूछा था कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की हैं, तो ये वोकाली का जो है रोज़ जेल है ये यूज़ किया है। हिमानी का मैंने जो रोज़ वाटर यूज़ किया है और को नेचुरल का सुपर एक्टिव विटामिन सी स्किन सीरम यूज़ किया है। सारा मेकअप डन शन होने के बाद ये देखें जी, बड़े मज़े की ग्लोइंग सी फ्लॉलेस सी लुक आ रही है। डेली वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अगर समर्स में दिन को निकल रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, डिनर वगैरह लंचेस वगैरह पर जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग है, अगर आप किस कहीं भी जॉब करती हैं, तो आप जो है इस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। बहुत बजट फ्रेंडली, आपकी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाएगी और स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। और जिस तरीके से मैंने पैनकेक आपको बताया, आप लगाएंगी तो बिल्कुल लॉक हो जाएगी। सो जी, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।